नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। मैं हूं आपके साथ अभय। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हमला कर सकता है, ये खबर भी है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने। सुरक्षा एजेंसियों की खबर अगर माने तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान से आतंकी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं इंडिया खबर लाइव की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंक का साया गहरा सकता है। खबर है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सुधरते हालात के मद्देनजर एक बार फिर अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों की माने तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, और इसमें उन आतंकवादियों का साथ कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना खुद दे रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस साल के आखिरी तक जम्मू कश्मीर में रुकी हुई राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने का मन बना लिया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के जैसे ही स्टेटस देने की योजना है, यानी देश का अब सही मायने में एकीकरण हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें उन्होंने गुपकार पार्टियों के नेताओं को बातचीत करने का न्योता भेजा है। जाहिर है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत में शांति कायम हो और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चले। इसी वजह से इस मीटिंग के पहले ही पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की साजिश में है। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों का पूरा साथ दे रही है और आतंकवादियों को तस्खीर ए जबल की तर्ज पर युद्ध करना सिखा रही है। तस्खीर ए जबल का अर्थ है पहाड़ पर गुरिल्ला नीति से युद्ध करके कब्जा करना। पुलवामा में राकेश पंडिता की हत्या और सोपोर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ इसके साफ संकेत हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो घाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में 220 से अधिक आतंकवादी सक्रिय हैं, और इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। लगता है कि पाकिस्तान उरी और पुलवामा के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भूल चुका है, और भारत को अब उसके मंसूबे पूरे होने से पहले उसे सही सबक एक बार फिर सिखाना होगा। भारतीय सेना और सुरक्षा बल मुस्तैदी से सरहद और घाटी में कायम है और किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। जरूरत है तो सिर्फ पाकिस्तान को ये समझने की कि ये नया भारत है। न्यूज डेस्क, इंडिया खबर लाइव।